जो स्टांस मौलाना फजल रहमान ने लिया है या जो स्टांस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लिया है, वोट को इज्जत दो की बात करें या आज़ादी तहरीक की, वो चीज़ें मुझे समझने लगती हैं कि ये ऐसी बातें हैं जिनको मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। JUIF की तरफ जो मेरा टिल्ट है वो एक नेचुरल टिल्ट है, मेरा ताल्लुक मानसरा बेल्ट से है, तो मुझे एक ऐसे हीरो की तलाश है वाकई, और दिक्कत हो रही है एक ऐसा एक्टर जो कि गबरू जवान भी हो और बड़ी ठेठ किस्म की और गांव वाली जो होती है देहाती पंजाबी बोले, मज़े की पंजाबी बोले। पंजाबी होना एक वक्री टाइप की कैफियत है, तो पंजाबी ही पंजाबी की जुगत समझ सकता है, पंजाबी ही पंजाबी लतीफ़ा समझ सकता है, और जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो वो इतना दिलचस्प नहीं रहता। एक्टिंग की ऑफर्स पहले भी बहुत आती थी, अब भी आती हैं, एंड आई थिंक आई वुड लव टू एक्ट एक्चुअली, लेकिन आई डोंट नो कि लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, अगर इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में तो इलेक्शंस में हिस्सा लेने की बात भी करेंगे, सोचा भी जाएगा। मैं इलेक्शंस में हिस्सा लेने के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं होना ज़ाती तौर पे, ना बाकी लोगों को मैं ये मशवरा दूँ कि सियासत से दूर रहें। मैं समझती हूँ कि हर एक को सियासत में एक्टिव रोल अदा करना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारी ख्वातीन को एक्टिव पॉलिटिक्स में इंगेज करना चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मैं भी नहीं समझती कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इनकार कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी वही मसाइल हैं जो बाकी लोगों को है कि कौन सी पार्टी का इंसान इंतखाब करे। और फिर अगर आप किसी इलेक्शंस में आप हिस्सा लेते हैं तो जिस हलके से फॉर एग्ज़ाम्पल आप खड़े हो रहे हैं, उस हलके के लिए आप क्या कुछ कर सकेंगे कि नहीं। आई वुड होप कि अगर मैं इलेक्शंस में हिस्सा लूँ, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शंस हों, हल्के की सियासत हो, तो मुझे ये अश्योरेंस होनी चाहिए कि मैं अपने हलके के लिए कोई अथॉरिटी रखती होंगी। आई डू थिंक कि जो जमहूरियत का निज़ाम है या जो जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी सियासत का निज़ाम है, उसको जो पार्टीज सपोर्ट करेंगी उनके तरफ ज़ाहिर है मेरा रुझान ज़्यादा है, वो दिखाई देता है। और पिछले 3.5 साल में जो स्टांस मौलाना फजल रहमान ने लिया है या जो स्टांस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लिया है, वोट को इज्जत दो की बात करें या आज़ादी तहरीक की, वो चीज़ें मुझे समझ में लगती हैं कि ये ऐसी बातें हैं जिनको मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन द डिसीजन कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँगी अभी नहीं ली गई, और उसकी वजह ये है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी इसमें कुछ इनपुट होगी, क्योंकि इट्स अ डेमोक्रेसी, तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। लेकिन आई एम ऑल फॉर सपोर्टिंग द डेमोक्रेटिक मूवमेंट। JUIF की तरफ जो मेरा टिल्ट है वो एक नेचुरल टिल्ट है, मेरा ताल्लुक मानसरा बेल्ट से है, और वहाँ पर आपको पता है रुझान भी उधर है, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं पार्टी के साथ, तो अगर मुझे वोट देना पड़े तो शायद इस बार मैं JUIF ही को वोट दूँ। लेकिन पार्टी का इंतखाब फ़िलहाल नहीं हुआ, और जिस दिन होगा आप यकीन माने आपको सबसे पहले मैं अनाउंस कर दूँगी, कोई राज की बात नहीं। राबते में जी सब लोग होते हैं मेरे साथ, आपको मैं बताऊं कि PTI मेरे साथ सबसे ज़्यादा राबते में रही है गुज़श्त 3.5 साल में। जो PTI के साथ जुड़े हुए हैं उनकी फैमिलीज़, कुछ लोग जो कि काबीना में भी हैं, वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ राबतों में हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या JUIF या जमात इस्लामी राबते में है, मैं हर एक के साथ बहुत अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट है, और मैं एक बहुत अच्छा फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल एक हमारा रिश्ता है। मैंने टू बी क्वाइट ऑनेस्ट डायरेक्ट इलेक्शंस का या इंतखाबात लड़ने का फ़िलहाल नहीं सोचा, और अक्सर लोग समझते हैं कि जो आपकी आबाई गांव होता है या जो आपका आबाई हलका होता है वहाँ से आपको इलेक्शंस लड़ना चाहिए। मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं, आप यकीन माने कि मैं थर जाती हूँ सिंध, तो वहाँ से लोग कहते हैं कि आप यहाँ से इस बार इलेक्शंस लड़ेंगी। मैं डेरा इस्माइल खान जाती हूँ तो वहाँ मुझे लोग कहते हैं कि आप मेरी सीट से इलेक्शंस लड़ेंगी। तो ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरा हलका सिर्फ मेरे नाना का गांव है या दादा का गांव है वो नहीं है, या जहाँ मेरी परवरिश हुई है पेशावर में वो नहीं है,
ये मेरी बड़ी मुश्किल भी पड़ जाती है लेकिन खुशनसीबी भी है। सो मेरे लिए वाकई बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस बारे में वाकई मैंने नहीं सोचा कि कौन से हलके से मैं सियासत में आऊँगी या इलेक्शंस लड़ूँगी। फ़िलहाल इस बारे में सोचा ही नहीं। फ़िलहाल हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं। मेरे लिए काफ़ी टाइम अभी पड़ा है। पंजाबी हीरो की मुझे तलाश है, मुझे पंजाबी हीरो की अपनी फ़िल्म के लिए भी तलाश है। और जो पंजाबी फ़िल्म है वो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मैंने 2016 में अपनी पहली उर्दू फीचर फिल्म रिलीज़ की थी जानान, और वो एक पश्तून फैमिली के बारे में थी, स्वात में बेस थी, स्वाति फैमिली के बारे में थी। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे बड़े प्यार से गिला किया कि आप पंजाबियों को भूल जाती हैं, आप सिर्फ पश्तून पश्तून करती हैं। तो इस वजह से, चूँकि प्यार से गिला किया था, तो मैंने पिछले 3 साल बहुत ज़्यादा तहकीक की है। बहुत ज़्यादा प्यार के साथ मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। प्लॉट हमारे एक भाई साहब हैं जो कि सरदार बरादरी से हैं, उनका प्लॉट है, और उसी कहानी को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। बड़ी खूबसूरत कहानी है और ये कोई हल्की फुल्की फिल्म नहीं है। उसका मैसेज जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल भी है, इश्क के बारे में है और किस तरह से लोग अपना इश्क तलाश करते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये एक पंजाबी कल्चर जो है या पंजाबी जो एक शनाख्त है उसको सेलिब्रेट करने की नीयत से मैं फ़िल्म बनाने जा रही हूँ। अभी तो पंजाबी फ़िल्म के लिए ही हीरो तलाश कर रहे हैं, और जिस मेरा ख़्याल है कि जिस किस्म का मैं पंजाबी फ़िल्म का हीरो तलाश कर रही हूँ, शायद वैसा अगर हीरो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। पंजाबी फ़िल्म का जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा अपने कल्चर, अपनी सकाफ़त में से जुड़ा हुआ है, और उसको कभी ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जो उसकी सकाफ़त और उसकी जो पंजाबी नेस है उसको अप्रिशिएट करे, और उसको ये अपनी जो पंजाबी जो एक उसकी शख्सियत है या जो उसका रुझान है वो उसको छुपाना पड़ रहा है। तो फिर इस फिल्म के जो स्क्रिप्ट में आप देखते हैं आगे जाके कहानी में कि वो कैसे अपने आप को भी पा लेता है और लड़की को भी वो मिल जाता है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो पंजाबी बोलते नहीं हैं, उस तरह नहीं बोलते जैसे कि हम बर्मिंगम में देखते हैं, यूके में देखते हैं, कनाडा में देखते हैं। ख़ासकर सरदार कम्युनिटी जो है हमारी, वो पंजाबी बहुत शान से बोलती है और अपने पंजाबी कल्चर पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती है। तो हमारा जो एक एक अर्बन क्लास बन गई है जो कि पंजाबी बोलते हुए शर्माते हैं, तो मुझे एक ऐसे हीरो की तलाश है वाकई, और दिक्कत हो रही है एक ऐसा एक्टर जो कि गबरू जवान भी हो और बड़ी ठेठ किस्म की और गांव वाली जो होती है देहाती पंजाबी बोले, मज़े लेके पंजाबी बोले। तो वो हम इस किस्म का एक बहुत ही दिलचस्प सा कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, और कास्टिंग रुकी हुई है क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है हमें ऐसा हीरो ढूंढने में। अब इसका जो वर्किंग टाइटल है जी, हमने रखा है चीमा चट्ठा एंड विर्क। लेकिन आपको पता है कि जो पंजाब की जाट कम्युनिटी है, जो पंजाब के जो मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, मकसद इस वर्किंग टाइटल का ये था कि सब को इंक्लूड करना, और ये मकसद है कि पंजाबी होना एक वक्री टाइप की कैफियत है। तो पंजाबी ही पंजाबी की जुगत समझ सकता है, पंजाबी ही पंजाबी लतीफ़ा समझ सकता है, और जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो वो इतना दिलचस्प नहीं रहता। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान हैं या सिख हैं या हिंदू हैं, अगर आप पंजाबी हैं तो आप फिर पंजाबी हैं, और आपको फिर टिका के पंजाबी बोलना भी पसंद होता है, और टिका के पंजाबी सरसों का साग और मकई की रोटी खाना भी आपको पसंद होता है। तो ये कुछ थीम फिल्म का ये है, इस वजह से ये नाम इंतखाब किया है। पाकिस्तान में जो पंजाबी फिल्में, जिसको हम लॉलीवुड कहते थे, जो अंजुमन शहजादी और जो गंडासा कल्चर था, और जो सुल्तान राही वाली, मुस्तफ़ा कुरैशी वाली फिल्में थी, नूरजहान के गाने थे, मैडम नूरजहान के गाने, और अब नसीबुल्लाल जी के आवाज़, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो समझता है कि ये जो पंजाबी फिल्में थी ये क्लासी नहीं थी, या कि ये जो हमारे कल्चर है उसके कासी नहीं करती थी। वो एक मूड था 80s 90s में, जो एक मूड था वो उसको रिफ़्लेक्ट करती थी, एंड आई एन्जॉय दोज फिल्म एज़ वेल। तो मैं आई एम अ फ़ैन ऑफ एनी थिंग कल्चरल,
आई थिंक एक जो एक स्नॉबरी है, एक स्नूटीनेस है कुछ एलीट्स की कि ये जो फिल्में बनती थी वो तो अच्छी नहीं होती थी, वो एक मैसेस की उनमें अपील भी थी और मैसेस के लिए बनती थी। अब जो हमारा कल्चर है वो बहुत मेरा ख्याल है एलीट हो गया है, और जो हमारे जो मल्टीप्लेक्स सिनेमाज हैं वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो फिल्म हैज़ टू बी अवामी और अवाम के लिए होनी चाहिए। एंड सो आई होप कि मैं कुछ बिट्स उस एरा के जो हैं वो भी रिवाइव कर सकूँ। एक्टिंग का शौक था, सिंगिंग का ज़्यादा था बचपन में, लेकिन जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक है उस फैमिली से मेरा टीवी पे आना और मीडिया और जर्नलिज्म करना भी बहुत बड़ी बात है, और उसकी भी इजाज़त नहीं थी। एक्टिंग की ऑफर्स पहले भी बहुत आती थी, अब भी आती हैं, एंड आई थिंक आई वुड लव टू एक्ट एक्चुअली, लेकिन आई डोंट नो कि लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। देखिए ये अब मुझे मेरे बेटे ने सख्ती से मना किया है कि आप हर शो में जब जाती हैं और ये इस तरीके से आपका नाउ यू आर अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, और उन्होंने भी अभी अपनी एल्बम रिलीज़ की है, और मैं इस साल इंशाल्लाह दो तीन आप सुनेंगे जो मैं ऑफिशियली रिलीज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि उनकी बड़ी मेरे बेटे की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं म्यूज़िक पे अपने फोकस करूँ, और मैं थोड़ी सी आई डोंट वर्क वेरी हार्ड, मेहनत नहीं करती जिस तरह वो चाहते हैं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फिर, व्हेन यू गेट द सिंगल आउट देन यू विल हैव टू वेट फॉर दैट।